महेश्वरोऽसि त्वत्तो जगत्
त्वय्येव गच्छति लयं जगदेतदेश लिंगात्मकं हर चराचरवेश्वरूपिं। नमस्कार, आज 18 जून 2024 ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर होने वाले गीता सत्र में आपका स्वागत है। आज का सत्र हमने भगवान शिव की वंदना से प्रारंभ किया। भगवान शिव का रूप एक लोक मंगल रूप में हम जानते हैं। हम जानते हैं कि भगवान शिव ने ही कालकूट को विश्व को धारण किया और किस तरीके से सृष्टि को बचाया। शिव का अर्थ ही मंगलमय, कुशल क्षेम और मुक्ति प्रदाता है। जो प्राणों पर शासन करते हैं वे शिवात्मा कहलाते हैं। जो वायु को वश में रखते हैं वे सदाशिव शुद्धात्मा कहलाते हैं। जो जीवन को वश में रखते हैं वे परम शिव कहलाते हैं। दानवों और देवताओं दोनों ने ही भगवान शिव की वंदना की और ये कहा कि शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशे शिवा। अर्थात हे शिव, काल आपके अधीन है, आप काल से मुक्त चिदानंद हैं। जिसे मृत्यु को जीतना है उसे भगवान आपकी शरण में होना चाहिए। आपका मंत्र ही मृत्युंजय है। हे शंकर, आप त्रयंबक अर्थात तीन नेत्रों वाले हैं। सत्यम, शिवम और सुंदरम आपके ही तीन नेत्र हैं। आप कर्म, भक्ति और ज्ञान को धारण करते हैं। हे भगवान, भू भुवा और स्व, भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक सर्वत्र आप ही परिव्याप्त हैं। जीवन, मृत्यु और मुक्ति तीनों ही आपके नेत्र हैं। आप बालचंद्र, गंगा और शक्ति तीनों को धारण करते हैं। अतः कालकूट से हमें बचाएं। इस तरह जब सभी एकाग्र होकर भगवान को श्रद्धा पूर्वक जब ध्यान किया तब भगवान ने सृष्टि का अंत समीप देखते हुए या सृष्टि को बचाने के लिए, सभी के कल्याण के लिए कालकूट ग्रहण कर लिए। तो भगवान शिव जो है वो भक्तों की आर्त पुकार सुनते हैं और बिल्कुल उनके उनके प्रति जो एक दया का भाव है उनके अंदर हमेशा, भगवान के अंदर हमेशा रहता है। आज का सत्र हम भगवान शिव के शरण में जाकर इस तरीके से प्रार्थना करें कि हे भगवान शिव, हमें तुम ये ज्ञान दो कि हम किस तरीके से इस माया से निकलें। और भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई बातें जो भगवती गीता के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमें समझ में आए और आप हमारी रक्षा करें इन सारे विकारों से और हमें एक सही मार्ग बताएं। पिछले सत्रों से हम देख रहे हैं कि हम भगवान कृष्ण ने हम अलग अलग प्रकार की साधनाएं बताई। कुल कुछ 12 साधनाएं अब तक हम सीख चुके हैं जिनका उपयोग कर हम आध्यात्मिक पथ पर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि जीवन के हर पहलू में हमें ब्रह्म को देखना, फिर नियमित रूप से दैनिक अनुष्ठान करना, इंद्रियों को सुखों से वंचित करना या उनके वश उन्हें वश में करना, स्वयं को इंद्रियों से अलग देखना और इंद्रिय वस्तुओं को इंद्रिय इच्छाओं की अग्नि में अर्पित करना, ज्ञान का उपयोग करके इंद्रियों को वश में करना, मौन रखना, तीर्थ यात्रा करना, व्रत आदि करना, धन, समय और श्रम का दान करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञानार्जन करना, तपस्या करना और सुख सुविधाओं का जितना हो सके उतना त्याग करना, अष्टांग योग का अभ्यास करना, प्राणायाम करना और आहार पर नियंत्रण करना। पिछले सत्र में हमने समझा कि किस तरीके से आहार पर नियंत्रण हमारे मन को शुद्ध करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान कृष्ण ही इन साधनाओं के बारे में हमें बताते आ रहे हैं, बल्कि इनका उल्लेख वेदों और उपनिषदों में भी मिलता है। ये विशेष यहाँ पे भगवान क्योंकि हम पे बहुत ही परम स्नेही है, हम पे स्नेह करते हैं, भक्त वत्सल है, इसलिए उन्होंने हमें गीता जी के माध्यम से इन सारी बातों को फिर से समझाने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया। ये यहाँ देखा जाए तो ये सारी एक तरीके की जो साधनाएं है इनको बहुत ही ढंग से जो करने का है, जैसे अगर आपको विस्तार में जानना है तो वेद और उपनिषद में इनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन मिल जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इनमें से कौन सी साधनाओं का चुनाव करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमें यज्ञ की भावना से इनको करना है।
इसका अर्थ है कि बिना किसी सांसारिक अपेक्षा के इन्हें करना, अपना कर्तव्य समझकर करना और मन में ये उद्देश्य रखना कि हम किसी तरीके से जिसके अंशी हैं उसको प्राप्त कर सकें या आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर सकें, जिससे कि हम अपना वास्तविक स्वरूप जान सकें। इस यज्ञ की मानसिकता को विकसित करने वाले ही आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़कर आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम बारीकी से देखें तो ये सभी साधनाएं हमारे दैनिक जीवन में किए जाने वाले कार्यों के समान ही, जैसे इंद्रिय सुख, भोजन, श्वास, अध्ययन आदि। अर्थात अगर हम इन इन सारी साधनाओं को अपने दैनिक जीवन में डाल दें तो बहुत ही हितकर होगा। प्रारब्ध कर्म के कारण दैनादिन कार्य स्वाभाविक रूप से हमें मिलते जाते हैं। यदि साधनाएं उस कार्य से संबंधित हो तो हम इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उन्हें करना हमारे लिए आसान होगा और हम उन्हें करेंगे। इसलिए यह कहना सही है कि श्री कृष्ण ने सिखाई जो हमें साधनाएं हैं ये सभी कर्म पर आधारित हैं। साथ ही हम हमारे प्रारब्ध कर्म के आधार पर कोई भी साधना जो हमने अभी उल्लेखित की उनमें से कोई भी साधनाएं हम चुन सकते हैं, परंतु प्रारब्ध कर्म के आधार पर हमें कुछ ही हमारे अनुरूप लगेंगी, बाकी समय में कठिन लगेंगी, क्योंकि प्रारब्ध कर्म सभी के अलग होते हैं। इस कारण हमारे अनुरूप साधनाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन हम जो भी साधना या साधनाएं चुनते हैं, अगर हमें हम उन्हें यज्ञ के रूप में करते हैं तो वो हमारे मन को शुद्ध करती हैं। ऐसे शुद्ध मन हमें आध्यात्मिक ज्ञान के योग्य बनाता है और अंत में आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जो लोग कोई साधना नहीं करते या साधनाओं को सांसारिक सुख की इच्छा से करते हैं, वे जीवन और मृत्यु के अंतहीन चक्र में फंसकर भावनाओं और दुखों और असंतोष के रोलर कोस्टर से गुजरते ही रहते हैं। इसलिए हमें बुद्धिमानी दिखाकर साधनाओं को सही तरीके से करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ भाव से करना चाहिए। जैसा कि मोहित ने कहा था कि परमार्थ की इच्छा से कीजिए या भक्ति भाव में रह के कीजिए। यह दुर्लभ मानव जीवन जीवन मृत्यु के इस चक्र को तोड़ना का हमारा अंतिम अवसर है, ऐसा सोचकर अगर हम साधनाएं करेंगे तो हम जरूर ही अपने प्रयास में सफल होंगे। अगर हम इस अवसर को खो देंगे तो भगवान ही जाने अगला अवसर कब मिलेगा, अगली मानव योनि में हमारा जन्म कब होगा। इन सारी विचारों को आप तक प्रेषित करने के उपरांत मैं मोहित से कहूंगा कि आज श्लोक संख्या 31 एवं 32 पे अपनी क्षमता अनुसार जितना प्रकाश डाल सकें डालें और हमें अनुग्रहित करें। धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। एक केवल भगवान की कृपा ही ऐसी है जिससे सब कुछ संभव हो जाता है और जिसके चलते सब कुछ हो रहा है। कोई भी चीज जो हम देखते हैं वो ब्रह्म से अलग सत्ता नहीं रखती है। तो इस प्रकार ये जो तथ्य है जो हमें निरंतर इसका स्मरण रहना चाहिए। हमने अभी तक अध्याय 4 के 30 तक श्लोकों का हमने अभी तक अध्ययन या चर्चा कर ली थी। आज हम 31वें श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे कि ये जो सब यज्ञ हम करते हैं, ये जो यज्ञ भगवान ने बताया, इनको करने का फल क्या होता है, इनको करने से क्या लाभ है। भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टा मृत भुजो याति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। इसका जो सीधा सीधा अर्थ है वो कुछ इस प्रकार है। भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे यहाँ पे जो यज्ञ हम करते हैं तो यज्ञ के पश्चात जो भी कुछ अवशिष्ट बचता है, मतलब यज्ञ के पश्चात जो भी कुछ बचता है उसको ग्रहण करने का बहुत बहुत अधिक महत्व है। जैसे
उदाहरण के लिए जो व्यक्ति सबको भोजन पहले करवा कर अंत में भोजन करता है, तो वो यज्ञ का अवशिष्ट है, वो यज्ञ का प्रसाद है, तो उसको ग्रहण करने का बहुत अधिक महत्व है। तो यज्ञ के पश्चात जो हमें फल की प्राप्ति होती है, वो फल की प्राप्ति हमें किस प्रकार से हमें हमारी हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है उसका विकास करती है, उसके उसके विषय में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और जो मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता है, जो मनुष्य परमार्थ की भावना से कर्म नहीं करता है, जो मनुष्य यज्ञ नहीं करता है, तो ऐसा नहीं करने वाले के लिए तो यहाँ पे जो मृत्यु लोक है, जिसे हम जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं, तो मृत्यु लोक में भी उसके लिए सुख नहीं है। तो परलोक में तो वो सुख की कल्पना भी कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे ये समझाने का भगवान ने प्रयास किया है। केवल निष्काम कर्म करके ही हम वो यज्ञ की चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। उसी के माध्यम से हम अनंत स्वरूप ब्रह्म में अपना खुद स्वयं को स्थित कर सकते हैं। और यदि हम अकर्मण्य हो जाएंगे, यदि हम पुरुषार्थ विहीन हो जाएंगे, यदि हम हमारी कर्मों में आसक्ति होगी, तो इस प्रकार से हमें पाप और पुण्य दोनों को हम प्राप्त हो सकते हैं, और इस प्रकार से हमारी मुक्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमारा हमारी हमारी चेतना में ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें यज्ञ करने के, इन सभी यज्ञों के माध्यम से जो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल मेथड्स बताए भगवान, इनको करने के माध्यम से हमारी कैसे हमारी चेतना का विकास हो सकता है। तो इसी विषय में यज्ञों का क्या महत्व है, ये कितने महत्वपूर्ण, इस विषय में विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। वासुदेवा श्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जो भगवान वासुदेव का आश्रय करने वाला मनुष्य है और केवल भगवान के ही अधीन है, केवल उसका एक ही भरोसा है, केवल भगवान से ही उसको सारी आशा है, उसको संसार में किसी भी संबंध, संसार के किसी भी भौतिक वस्तु, संसार का कोई भी साधन, उससे उसकी आशा नहीं है, उसकी केवल एक ही आशा है भगवान। तो वासुदेव के आश्रय रहने वाला, भगवान श्री कृष्ण के आश्रय रहने वाला और उनके ही परायण मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित्त होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं भगवान को वो प्राप्त कर लेता है। भगवान में ही मन को स्थिर करके, भगवान में ही हृदय को लगा करके जो हम कर्म करते हैं वो यज्ञ स्वरूप हो जाता है, और उससे हमारी मुक्ति हो जाती है। केवल मुक्त करने हमको हमें मुक्त करने के लिए केवल जो भगवान का जो आश्रय है वही समर्थ है, और इसके अतिरिक्त तो कोई भी वस्तु हमें मुक्त नहीं कर सकती। उसके आगे श्लोक आता है। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि वयम नहीं उपजायते। भगवान वासुदेव का जो भक्त होता है उसका कभी भी अशुभ नहीं हो सकता है। हमें हमारी जो सीमित बुद्धि है उसके हिसाब से हमें ये जरूर लग सकता है कभी कभी कि मैं भगवान को समर्पित होकर के भी मैं इतना दुखी क्यों हूँ, क्योंकि हमारे पास में वो बिगर पिक्चर नहीं है जो भगवान ने हमारे कल्याण के लिए सोच रखा है। तो वहां पे हमें ये भ्रम जरूर हो सकता है, परंतु ये हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए। यदि हम भगवान की शरण में है तो हमारा कभी भी ये हमें हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए अंदर कि हमारा कभी भी अशुभ नहीं हो सकता है भगवान की शरण में रहते हुए। वो सदैव हमारे जो लार्जर गुड है उसके लिए होगा। हमें कभी भी इस स्थिति में भगवान के जब आश्रय रहते हैं हम, तो हमें इस स्थिति में कभी भी जन्म मृत्यु जरा मतलब वृद्ध अवस्था और रोगों का भय कभी भी नहीं रहता है। इसके पश्चात जो एक अंतिम श्लोक है उसके अंदर भी कहा गया है। विश्वेश्वरम अजम देवम जगत प्रभवाप्ययम भजंती ये पुष्कराक्षम नते यान्ति पराभवम। जो हम सब में सब जीवों के अंदर भगवान के दर्शन करके जो हम कर्म करते हैं भगवत सेवा की हिसाब से, तो जो पुरुष विश्वेश्वर है मतलब सभी प्राणियों के अंदर है ना, सभी वस्तुओं में है, अजन्मा है और संसार की उत्पत्ति लय के स्थान देव देव पुंडरीकाक्ष को बसते हैं। जो पुरुष भगवान के इस स्वरूप को ध्यान करके बसता है,
कैसे स्वरूप को विश्वेश्वर, अजन्मा और जो भगवान संसार की उत्पत्ति लय के कारण है, उनका कभी भी पराभव नहीं होता, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। तो यज्ञादि कर्म करने वालों का यज्ञ में जो कर्म प्रमादवश भ्रष्ट हो जाता है वह श्री विष्णु भगवान के स्मरण मात्र से पूर्ण हो सकता है, ऐसा एक श्रुति कहती है। जिस प्रकार मनुष्य धन की इच्छा से धनवान की आदर पूर्वक स्तुति करता है, उसी प्रकार यदि विश्वकर्ता की स्तुति करे तो कौन बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, है ना। जो सांसारिक लोग हैं वो क्या देखते हैं आजकल, वो देखते हैं कि किसके पास कितना धन है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने रिलेशन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो सारे अपने सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, परंतु परमार्थ रूपी धन किसके पास है उनसे उसको कोई लेन देना नहीं। तो यदि एक धनवान व्यक्ति की उपासना जो उसकी स्तुति करते हैं लोग, उससे भी उसको लाभ हो सकता है, तो इस जो संसार के नियंता है भगवान, अगर उनकी स्तुति करें तो हमें हमारा परम कल्याण उससे क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भगवान के ही कुछ वचन हैं, उनके माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से हमें हमारा ये विश्वास जो है वो दृढ़ हो सकता है। तो भगवान ही गीता जी में भगवान का वचन है, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मणि सर्वदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं धनंजय मेरे अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों के सदृश मुझमें गुंथा हुआ है। जिस प्रकार से एक डोरी में एक धागे में मोती पिरोए हुए रहते हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण जगत जो है वो भगवान में इस ब्रह्म में गुथा हुआ है। तो भगवान के अलग कोई भी वस्तु की सत्ता है ही नहीं, सब कुछ भगवान है। जैसे हमने 24वें श्लोक पढ़ा था कि किस प्रकार से यज्ञ है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हम किसके माध्यम से कर रहे हैं, हमारे मस्तिष्क उसमें हमारा हमारा सहयोग कर रहा है ना। अगर हमारा मस्तिष्क सही काम नहीं करेगा, अगर हमारा ब्रेन सही काम नहीं करेगा, तो फिर हम पढ़ाई नहीं कर सकते, वो यज्ञ का साधन हो गया। हमारी जो पुस्तक है, जो हमारा पेन है, पेंसिल है, जो भी है हमारे पास में, हमारा लैपटॉप है, वो सारे यज्ञ के साधन है, तो वो सब भी भगवान है ना। उनसे हमें किसी अच्छे फल की प्राप्ति हो रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हुई है वो भी भगवान है, जो यज्ञ का जो फल है वो भी भगवान है। इस प्रकार हमारी चेतना इस प्रकार की होनी चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो निष्काम भाव से करें, और जिस भी प्रकार का जो भी कर्म कर रहे हैं उस सब उन सारे यज्ञों के साधन है ना, और यज्ञों का फल और यज्ञों को करने के पीछे हमारा जो मोटिव है, जो हमारा फल जो प्राप्त करने की इच्छा है, वो भी हमारा सब कुछ भगवान ही होना चाहिए, तब जाकर के हम हमारा जीवन सार्थक कर सकते हैं। उसके पश्चात एक अगले एक श्लोक में भगवान कहते हैं यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्या मया भूतम चराचरम। अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का बीज है वह अभी मैं ही हूँ, चर अथवा अचर कोई भी ऐसा भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, मतलब सारे भूत जो उत्पन्न हुए, सारी जो जीवात्मा है जो उत्पन्न हुई है, उन सारे भूतों के पीछे, उत्पत्ति के पीछे जो उनका सोर्स है वो भी भगवान ही है, और अंत काल में जो भूत जिसमें विलीन होते हैं वो भी भगवान ही है। मतलब मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब मुझसे ही प्रवर्तित होता है। भगवान कहते हैं सब कुछ जो हो रहा है वो मुझसे ही हो रहा है, उनका कारण मैं ही हूं। जैसा कि हम ब्रह्म सूत्र में भी हम अध्ययन करते हैं कि हमारे जो भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं तो उनका जो फल होता है, उनका किस कोई कोई शुभ फल होता है, कोई अशुभ फल होता है, उन दोनों को ही हमें जो देते हैं वो भगवान ही देते हैं। तो सबके पीछे जो भी हो रहा है, सब हर चीज का कारण जो है वो भगवान ही है। भगवान ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय है। और एक श्लोक में भगवान कहते हैं, क्योंकि क्योंकि हम यज्ञ के संदर्भ में बात कर रहे हैं, भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। मैं समस्त यज्ञ तपों का भोक्ता और सर्वलोकों का महानेश्वर हूं। मतलब अगर हमने किसी कर्म को यज्ञ की चेतना से किया तो हमने वो कर्म जो है हमारा वो हमने भगवान को समर्पित कर दिया, और भगवान को जब समर्पित हो गया कर्म तो उसका जो फल है वो हमारे लिए परम कल्याणकारी होगा, उसके अलावा हम उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होता। तो
एक और श्लोक में भगवान कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी भी दूर नहीं होता। मतलब हम सारी हमारी क्रियाओं में हम यज्ञ को देखते हैं, तो हम कभी भी भगवान से दूर नहीं रह सकते। एक अन्य वचन है भगवान का गीताजी में ही, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूँ। तो इस प्रकार इन सब श्लोकों के माध्यम से हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भी कर्म करते हैं उसे भगवान से अलग नहीं देखना चाहिए। सब में यज्ञ स्वरूप, यज्ञ का भाव होना चाहिए, और सब वस्तुओं में या जीवों में हमें भगवान के दर्शन होने चाहिए। तो इस स्थिति में हम कभी भी भगवान से दूर नहीं होते और सदैव भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने इन कुछ श्लोकों के माध्यम से अध्ययन किया कि, और हमें पर ये हमें भ्रम हो जाता है कि ये सब, क्योंकि सीधा सीधा जो है हमें भगवान दिखते नहीं है, वो अव्यक्त है, तो माया के कारण से हमें ये सारा भ्रम होता है। तो हम इन बातों को इतनी गंभीरता से मानते नहीं है, क्योंकि मानते भी है तो कुछ समय बाद भूल जाते। तो एक अन्य श्लोक के भगवान भगवान ने ही गीता में स्वयं इसका उत्तर दिया, ऐसा क्यों होता है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मूढ़ो यम नाभि जानाति लोको माम यम अव्ययम्। योग माया से पूरा पूरा ढका रहने के कारण मैं समस्त लोगों की दृष्टि में प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि भगवान योग माया से ढके हुए हैं, तो वो सब लोगों के लिए दृष्ट नहीं होते। केवल जो जिनका ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया है, वही मनुष्य भगवान को देख पाते हैं, और दूसरे लोगों की दृष्टि में भगवान नहीं आते। इसलिए मूढ़ लोग मेरे सजन्म और अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते, मुझको जन्म मृत्युशील प्राकृत देहधारी मानते हैं। इसलिए जो मूढ़ लोग हैं, अब जिसमें हमारी आसक्ति होगी, जिन चीजों में हमारे लिए बाकी सारी चीज भी हम उसी प्रकार से देखेंगे, है ना। जैसे कोई नास्तिक व्यक्ति है, उसका जो जीवन का दर्शन है वो इसी प्रकार से है कि हम नाशवान है ना, आत्मा में उसका विश्वास नहीं होता है ना, तो वो बाकी सब चीजों को भी वो नाशवान ही मानता है। तो जैसा खुद होता है मनुष्य, वैसा ही वो दूसरों के लिए सोचता है। जैसे कोई चोर की मेंटेलिटी का आदमी है, वो दूसरों में भी चोरी को ही देखेगा। अगर कोई किसी स्थान पे वो चोरी करने गया है, तो दूसरे व्यक्तियों को भी देख के ही सोचेगा कि ये भी सब यहाँ पे चोरी करनी है। तो इस प्रकार की जो मेंटेलिटी नास्तिकों की, तो वो अपने ही जो खुद के लिए वो अप्लाई करते हैं जो चीजें, वो संसार को भी उसी प्रकार से देखते हैं। तो मूढ़ लोग जो होते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते, परंतु जो जिन पे भगवत कृपा हुई है, जो भगवान जिन्होंने यज्ञ की भांति अपना जीवन जिया है, और जिन्होंने कठिन तपस्या करी है, जिन्होंने बहुत सारे जो मार्ग भगवान ने अभी उनको बताया, जो 12 प्रकार के मार्ग हैं, उनमें से किसी एक को फॉलो किया, तो इस प्रकार यज्ञ की भांति जो जीवन जिन्होंने अपना यापन किया है, वो इवेंचुअली भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, और उनके लिए भगवान सब चीजों में प्रकाशित होते हैं। परंतु जो मूढ़ लोग हैं, उनके लिए नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये भगवान की माया है। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि हाँ, और यहाँ पे जो श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सदैव जो ब्रह्म, सनातन ब्रह्म है, उसको यज्ञ का जो अवशिष्ट फल होता है, वो क्या होता है? यज्ञ के अवशिष्ट को ग्रहण करने का फल ये होता है कि हम सदैव जो नित्य अविनाशी ब्रह्म है, उसको हम प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में एक और श्लोक है भगवान का, जन्म कर्म च मे दिव्य दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन, मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जानते हैं, मतलब इवन जो भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जो भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, जिनके चित्त केवल भगवान में स्थित है, जो सब चीजों में भगवान को ही देखते हैं, सब कर्मों में भगवान को देखते हैं, सारे कर्म भगवान को ही समर्पित करते हैं, तो जो यथार्थ रूप से तत्व से भगवान को जान लेते हैं, वो शरीर त्याग करके वापस से जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवत तत्व में, भगवान में स्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि किस प्रकार से हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे गीता जी के ही बहुत सारे भगवान के जो वचन हैं, वो किस प्रकार से
यज्ञों का महात्म्य बताया। इसके पश्चात हम उपनिषदों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो यज्ञ यज्ञ हम यज्ञ की चेतना से हम जो भी कर्म करते हैं वो किस पे कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो जो मुंडकोपनिषद है उसमें अक्षर ब्रह्म का पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है। तो वहां पहले अक्षर ब्रह्म से शब्द की उत्पत्ति और उन्हीं में सबका लय बताया हुआ है, और भगवान वहां पे अमूर्त बताया हुआ है। अमूर्त मतलब जिनका कोई भी रूप नहीं है, वहां पे निराकार ब्रह्म की व्याख्या की गई है। तो उसी निराकार ब्रह्म से समस्त प्राण इंद्रिय पंचभूत सूर्य चंद्रमा वेद अग्नि देवता मनुष्य अन्न समुद्र पर्वत आदि की सृष्टि बताई गई है। मतलब उन्हीं वो स्वयं ब्रह्म ही इन सब रूपों में परिणित हुआ है। वो हमारा अज्ञान है कि हम उसमें भगवान को देख नहीं पा रहे। तो मुंडकोपनिषद में कहा गया, पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म प्रामृतम एतद् यो वेद निहितम गुहा विद्याग्रंथिम विकिरति सौम्य। इसका अर्थ है पुरुष ही यह सब कुछ है, वही तप कर्म और परम अमृत स्वरूप ब्रह्म है। हे सौम्य, हृदय रूप गुफा में स्थित इस अंतर्यामी परम पुरुष को जो जानता है वह यही इस मनुष्य शरीर में ही अविद्या जनित गांठ को छिन्न भिन्न कर देता है। तो हमारे अंदर जो भी अविद्या है, अगर हम हमारे हृदय में स्थित परमात्मा से एक हो जाते हैं, अगर हम हमारे हमारा जो कर्तव्य है हम उसके साथ में सिंक में है ना, तो तब क्या होता है, तब हमारे शरीर तब हमारे जो बुद्धि के अंदर अविद्या है वो अविद्या रूपी गांठ जो होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो और एक और उपनिषद है हमारे यहाँ पे, बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्रुति आती है, उभे उ हैवेश एते तरति। इसका अर्थ है यह ज्ञानी निश्चय ही पुण्य और पाप दोनों को ही पार कर जाता है। मतलब जो यज्ञ की भावना से कर्म को कर रहा है वो ना तो पुण्य को प्राप्त होता है ना ही पाप को प्राप्त होता है, दोनों को ही वो पार कर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानी पुरुष का शरीर त्याग देने के बाद शुभाशुभ कर्मों से कोई भी संबंध नहीं रहता। तो इस मृत्यु लोक के अंदर हमारी जो चेतना हमने अभी डेवलप करेंगे हम डेवलप कर रहे हैं हमारे प्रत्येक कर्म के साथ में, तो परलोक में भी हमारी वही चेतना हमारे साथ में आने वाली है ना। अगर हमने पुण्य पुण्य अर्जित करने के हिसाब से हमारी चेतना डेवलप करी तो परलोक के अंदर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होंगे। अगर हमने पाप के मार्ग पे हम चलें तो हमें परलोक में नरकादि लोक प्राप्त होंगे। परंतु यदि हमने कर्मों को यज्ञ की भावना से किया तो ना तो हमें पुण्य हम अर्जित होंगे हमारे ना ही पाप अर्जित होंगे। तो किसी से भी पुण्य और पाप दोनों से शुभ अशुभ कर्मों से हमारा कोई भी संबंध इस स्थिति में नहीं रहेगा। और उसे जो ब्रह्मलोक प्राप्त होता है वह किसी कर्म के फल रूप में नहीं अपितु तो ब्रह्म ज्ञान के बल से प्राप्त होता है। तो जो हमारा ब्रह्म ज्ञान बढ़ रहा है यज्ञ के माध्यम से, तो उस ब्रह्म ज्ञान का यह बल है कि हमें हमारी जो चेतना अभी इस मृत्यु लोक में है परलोक में भी हमारी वही चेतना होगी। तो जैसा कि भगवान ने इसी श्लोक में कहा है कि जो सकाम कर्म हम करते हैं किसी चीज की इच्छा के लिए, सांसारिक वस्तु की इच्छा के लिए, खुद के लिए, स्वार्थ के लिए, वो उससे हमें दुखी प्राप्त होता है मृत्यु लोक में भी, पृथ्वी लोक में भी दुखी प्राप्त होता है। तो परलोक में भी हमारी किस प्रकार से अच्छी गति हो सकती है, वहां पे भी अच्छी गति होना संभव नहीं है। तो अतः उसके लिए परलोक जाकर भोग द्वारा पार करने योग्य कोई कर्म फल शेष नहीं रहता, इसलिए उसके पुण्य कर्म भी यहीं समाप्त हो जाते हैं। मतलब पाप और पुण्य कर्म दोनों का ही यहीं पे समाप्ति हो जाती है। तो ज्ञानी के संचित आदि समस्त कर्मों का सर्वथा नाश हो जाता है। इस बात का समर्थन हमें मुंडकोपनिषद में भी मिलता है। वहां कहा गया है कि तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्य मुपेति। इस कथन का अर्थ है उस समय ज्ञानी पुरुष पुण्य और पाप दोनों को हटाकर निर्मल हो सर्वोत्तम साम्य रूप परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मतलब यज्ञ यज्ञ का इतना महात्म्य है। और छांदोग्य उपनिषद में एक कथन है इसके अतिरिक्त, उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अथ खलु कृतुमय पुरुषो
यथा क्रतुर अस्मि लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रत्यभवति। यह पुरुष निश्चय ही संकल्पमय है। इस लोक में पुरुष जैसा संकल्प वाला होता है वैसा ही देह त्याग के पश्चात यहाँ से परलोक में जाने पर भी होता है। इसका अर्थ यह है, यहाँ पे हमारा जो भी संकल्प होगा मृत्यु लोक के अंदर, वैसा ही हमारा संकल्प कहाँ होगा, परलोक में भी हमारा वैसा ही संकल्प होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम संकल्प विहीन हो जाए, अगर हमारा कोई डिजायर नहीं, हम अगर इच्छा विहीन हो जाए, तो इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। देखो, हमने जो योग वशिष्ठ में एक कुछ दिन पहले हमने एक तो कुछ ग्रंथ की चर्चा करी थी, वहां पे हमने क्या कहा था, ये जो संकल्प ही है वही सब संकल्प के माध्यम से ही, ये जो तीन गुण हैं उन तीन गुण से हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं। जो डिजायर है वही इस द्वैतात्मक प्रपंच के पीछे ये जो उसका कारण है। तो संकल्प विहीन जब हम हो जाते हैं, हमारी मन में कोई भी डिजायर नहीं रहती है ना, हमारे खुद के लिए कोई डिजायर नहीं रहती, केवल हम परमार्थ के लिए ही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से संकल्प विहीन जो अवस्था है, उस अवस्था में देह त्याग के पश्चात परलोक जाने पर भी हम वैसे ही रहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि जो ज्ञानी पुरुष किसी लोक में जाने की इच्छा न करके यही मुक्त होने का संकल्प रखता है, ब्रह्म ज्ञान के लिए साधन में प्रवृत्त होते समय भी जिसकी ऐसी ही भावना रही है, वह तो तत्काल यही ब्रह्म साहित्य को प्राप्त हो जाता है। मतलब वो व्यक्ति केवल, मतलब मृत्यु के पश्चात ही नहीं, वो उसके प्राण शरीर में रहते हुए ही वो भगवान के साथ में वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो मृत्यु के पश्चात तो वो प्राप्त हो ही जाएगा। हमारे यहाँ ये कहा भी गया है कि जो आत्म साक्षात्कार जिन संतों को हो जाता है, जो बड़े बड़े संत हैं, जैसे हम नीम करोली बाबा का उदाहरण लेते हैं सदैव, तो वो ऐसे संतों को हमारे यहाँ पे लिविंग डेड कहा गया है। लिविंग डेड मतलब वो हमको दिख रहे हैं कि वो जिंदा है, पर वो जीते जी ही वो उनका जो संसार से जो वैराग्य हो गया उसके चलते वो तब ही, जब उनको साक्षात करोगे तभी उनका जो सांसारिक संबंध है, सांसारिक उनका देह है, वो तभी उनकी शांत होगी। परंतु हमारे लिए, क्योंकि हम माया में हैं, तो हमारे लिए वो जीवित है। तो जो ब्रह्मलोक के दर्शन की इच्छा रखकर साधन में प्रवृत्त हुआ था तथा जिसका वहां जाने का संकल्प है, वह मनुष्य ब्रह्मलोक में सदैव उसकी गति होती है। तो यहाँ पे हमने उपनिषदों के माध्यम से भी ये समझा कि किस प्रकार से जो यज्ञों का फल है, वो फल हमें हमारा केवल पृथ्वी लोक में ही नहीं, हमारा परलोक में भी वो कल्याण करता है। तो इस प्रकार हमें निरंतर जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ की भावना से करने चाहिए। और जो लोग इसको नहीं करते हैं, उनको उनकी कहीं भी सद्गति नहीं हो सकती। तो इस श्लोक में भगवान ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो ये जो सभी मार्ग हैं, जो यज्ञ के हमने मार्ग अभी तक जो चर्चा करी है, इन सभी मार्गों में ये सभी मार्ग क्या हमें एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं या भिन्न भिन्न लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं, तथा विभिन्न लक्ष्यों तक, तथा दूसरी दूसरी शंका हमारे मन में ये भी आती है कि ये सब मार्ग भगवान के बौद्धिक विचार है या फिर क्या है। तो इसका ही निराकरण भगवान ने स्वयं कर दिया है अगले श्लोक में। तो वो जो अगला श्लोक जो है उसका जो हम अध्ययन है वो अगले सत्र में करेंगे। यहाँ तक हम यहाँ हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।